हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है हम लोग सह्याद्री माउंटेन्स में और आज का ट्रैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक ऑफ महाराष्ट्र जो कि है AMK अलंग मदन और कुलंग। ये तीनों फोर्ट जो है ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत ही एक्साइटिंग ट्रैक ये होने वाला है आज। यहाँ पे आने के लिए आपको गाइड जो है वो कंपलसरी लगता है, हमने यहाँ पे एक हायर भी किया है। तो ये है सामने हमारे तीनों फोर्ट AMK, जिसमें से ये AMK अलंग मदन कुलंग। भाई व्लॉग्स ना ठेव, आई प्यार करू तू बड़ी सुहानी। तो ट्रैक जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी हम थोड़ा सा ही पैच आ गया है। ये वाला प्लेन पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ से हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट था और वहाँ से अभी इस फॉरेस्ट से क्रॉस होते हुए हम आए यहाँ तक और यहाँ पे अभी चल रहा है एक छोटा सा ब्रेक। तो AMK जो है ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक ऑफ महाराष्ट्र में आता है, तो यहाँ पे जो है वो रिपलिंग वगैरह का भी सीन होता है, इसलिए आपके साथ गाइड रहना बहुत कंपलसरी है जो कि आपके लिए रोपे वगैरह लगाते हैं। हमने जिनसे बुक किया है उनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर अभी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, एकनाथ नाम है उनका, तो आप उनसे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बहुत सारी सर्विसेज है जो कि पुणे टू पुणे भी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि पुणे से पिकअप करती है और पुणे में ड्रॉप करती है, या फिर एकनाथ के साथ जो है वो भी आप प्लान कर सकते हो जो कि यहाँ के लोकल है, तो एक्सपीरियंस एक्चुअली वो लोग भी जो है जो जितने भी सर्विसेज कंपनी वाले हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे आने के बाद गाइड आपको लोकल वाले ही देते, तो बेटर है कि आप इनसे ही डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो और अपने पर्सनल व्हीकल से आ जाओ और इनके साथ जो है वो ट्रैक स्टार्ट करो। हो पुरदिल, और हमारे साथ जो है वो हमारा पूरा ग्रुप जो है वो ट्रैवल कर रहा है, मनीष, यश, अक्षय, कृष्णा, मयूर, और ये है यश, और आगे अनिकेत, और ये है आशीष और अभिषेक, एंड दैट्स मी। तो भी ब्रेक हो चुका है तो लेट्स कंटिन्यू। और यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है डेंस फॉरेस्ट, यहाँ से आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट का ये प्लेन एरिया जो है यहाँ पे। एक्चुअली ये आपको जो यहाँ पे ये वाला जो है मंदिर नज़र आ रहा है, यहाँ से हम लोग आए हैं और ऑल द वे यहाँ से ट्रैक करते हुए। इनिशियल जो है वो प्लेन एरिया से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद में जब हाइकिंग स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और फिर भी अभी इनिशियल तो ठीक है, मतलब इतना कुछ अभी तक डिफ़िकल्टी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आगे जाके जो है वो डिफ़िकल्टी बढ़ने वाली है, लेट्स सी। और जैसे हमने अभी बात किया ये डिफ़िकल्टी जो है वो आगे जाके स्टार्ट होगी, तो यहाँ से जो है वो ट्रैक, यस हाय, यहाँ से जो है वो डिफ़िकल्टी अब स्टार्ट हो चुकी है। और ये हमारे साथ यश पंडित, कम ऑन। और यहाँ पे जो है वो गाइड की रिक्वायरमेंट भी इसलिए पड़ती है क्योंकि रास्ता जो है वो बहुत ही बहुत सारे यहाँ पे आपको रूट्स दिखाई देते हैं, तो उसमें से एग्जैक्ट रूट कौन सा है ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे रूट जो है वो ऊपर फोर्ट पे जाते हैं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से जाना चाहिए, जिस वे में मैनेज करते जाना चाहिए, वो गाइड को अच्छे से पता होता है। और ऑब्वियसली जो है रैपलिंग का जो मामला है उसमें तो आप पर्सनली जाके कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे आता है
ये एमके ट्रैक का थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। चलो चलो चलो, प्लेन रोड है तो चलो फास्ट चलो। चलेंगे आप, चलो। फर्स्ट स्टेप यहाँ तक जाना है। अभी तक तो ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट से हम लोग जो है वो ट्रैक करते हुए जा रहे हैं, और बीच में जो है वो एक दो पैच ओपन पैचेस थे जहाँ से पूरा वैली जो है वो दिख रहा था। और अभी जो है और इसके ऊपर जाना है, लेट्स सी कितना वक्त लगता है, लेकिन वर्थ इट। अभी तक तो बहुत ही बढ़िया है। तो हमारे साथ जैसे कि ट्रैक पे आज ट्रैकर से मनीष, मयूर, आशीष, अनिकेत, अक्षय, कृष्णा, यश और पीछे है अभिषेक। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक और यहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा स्टीप। यहाँ पे पत्थर के अंदर जो है वो स्टेप्स बनाए हुए ऊपर जाने के लिए। इतना स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो है वो आता है ये खूबसूरत सा व्यू। कैमरा तो इतने अच्छे से जस्टिस नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ से ये व्यू देखना बहुत ही खूबसूरत है। ऑल द वे यहाँ से ऊपर जाके ये है अलंग फोर्ट। पूरा ये जो दिख रहा है ये है अलंग, और इसके टॉप तक अभी फिलहाल हमें जाना है। यो गेंद तो दे रही हूँ ना, तो चढ़। तो यहाँ पे आता है अलंगगढ़ का एक फर्स्ट स्टॉप, जहाँ पे यहाँ से ऊपर आने के बाद आपको एक यहाँ पे केव दिखाई देती है, इसके अंदर आपको बैग्स वगैरह रखने हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से जाएंगे मदनगढ़ के लिए। फ़िलहाल हम लोगों ने अलंग का फर्स्ट जो पैच है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आज लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से जो है वो टूरिस्ट जो है यहाँ पे ट्रैकर्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इसलिए जो है सबका जितने भी ट्रैकर्स हैं उनका स्टे का प्लानिंग जो है वो अलंग फोर्ट पे करने वाले हैं। वैसे बेसिकली पहले अलंग फोर्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मदन कंप्लीट करते हैं। मदन के यहाँ पे जो है वो कैंपिंग होता है, लेकिन आज जो है हम लोग फर्स्ट ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हो ये वाला, ये है मदन फोर्ट। तो हम लोग पहले मदन फोर्ट कंप्लीट करेंगे, और फिर मदन फोर्ट कंप्लीट करके वापस अलंग जाएंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे। जैसे जैसे ट्रिक जो है वो डिफ़िकल्ट हो रहा है, थ्रिल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। Come set me free.
और जैसे ही आप लोग मदनगढ़ तो जैसे ही आप लोग मदन फोर्ट का क्लाइंबिंग करके ऊपर आते हैं तो ये खूबसूरत सा व्यू आप दिखाई देता है। यहाँ ऊपर हम लोग जा रहे हैं मदन फोर्ट के समिट की तरफ। ये साइड है कुलंग, ये साइड आपको मिलेगा अलंग, और बीच में है मदन। अभी कुछ टाइम हो रहा है 12:20, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लूज हो चुकी है अब, और हम पहुंच गए हैं मदन के समिट पॉइंट पे। सबसे टॉप वाला इतनी मेहनत करने के बाद जब आप पीक पे पहुंचते हो और इतना खूबसूरत व्यू जब आपको मिलता है तो दिल को सुकून आ जाता है, और यहाँ से वो व्यू आप एंजॉय कर सकते हो। लोग जो इतना थक गए, ये यहाँ पे हम लोग वेटिंग में रिपलिंग करने के लिए, और ये यहाँ पे आराम से सो गए। कॉन्ट्रैक्टर सर, तो अभी जस्ट जो है हम मदन फोर्ट से नीचे उतरे और यहाँ पे एक नींबू पानी का स्टॉल है यहाँ पे अंदर, और ये नीचे जो वैली देख रहे हो यहाँ पे एक घाटघर है जहाँ से भी जो है वो AMK के लिए आने के लिए रास्ता होता है। आप घाटघर से भी ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो, और या फिर हम जहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं बिरसू भाई के आगे, अभी मैं गाँव का नाम एक्चुअली भूल रहा हूँ, वहाँ से भी अंबेगांव से भी आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये है अलंगढ़, अभी हम इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ होगा हमारा कैंपिंग स्टॉप। आई प्यार की रुत बड़ी सुहागी, तू करना मेरी डिचडी। तो अभी जो है स्टार्टिंग में जो हम अलंग पॉइंट पे आए थे वहाँ पे एक केव थी, वहाँ पे हम लोगों ने हमारा लंच किया मदन फोर्ट से नीचे आने के बाद, और फिर वहाँ से जो है वो और एक छोटा सा पॉइंट आता है रिपलिंग के लिए वो किया, लेकिन उसके बाद जो है वो काफ़ी भीड़ जो है वो पीछे लगी हुई है, आप देख सकते हो ये करीब 2 घंटे से रुके हुए हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी तक जो है इनका नंबर जो है वो आया नहीं है। यहाँ से ऊपर जो है वो इस टाइप में है, वो अब क्लाइंबिंग करना है जो कि बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। ये सब लोग अब वेट कर रहे हैं, और ये हमारा ग्रुप जो है वो यहाँ पे आराम कर रहा है, क्योंकि इनका नंबर जब तक नहीं लगता तब तक हमारा नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम लोग जो है वहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कब तक जो है वो हमारा टाइम आता है। अभी जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 5:45 तक टाइम हो चुका है, जो कि अब सनसेट तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये एक बेस्ट पार्ट होगा कि कल सुबह मॉर्निंग में जो है वो सनराइज़ बहुत ही खूबसूरत हमें मिल सकता है। तो लेट्स सी। 1 hour later एंड फाइनली बहुत सारे मशक्क़त के बाद जो है हम लोग पहुंच गए हैं अलंगगढ़ के समिट पे,
और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एक्चुअली, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और पीछे यहाँ पे पीछे जो है वो खूबसूरत सा सनसेट हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली सनसेट हम लोगों ने मिस कर दिया है, लेकिन अब वेट है खूबसूरत से सनराइज़ का, जो कि यहाँ मेरे पीछे होगा। सह्याद्री से पहली बार हम इतना खूबसूरत सनराइज़ कल देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है टेंट सेटअप करेंगे और फिर देखते हैं डिनर वगैरह करेंगे। बहुत अच्छा सा दिन था आज, बहुत खूबसूरत सा, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग हुआ आज। होपफुली कल का जो फोर्ट है वो भी ऐसे ही थ्रिलिंग हो।